Hello everybody, welcome back to this channel. Main hu Akash Vimal. How are you guys doing? I am back with another video. So I've just woken up और मेरे पीछे स्नोई और अलास्का घूमते फिर रहे हैं. काफ़ी टाइम से मैं ये करना चाह रहा था वीडियो, बट पीपल केप्ट कमिंग एट माई प्लेस. लोग आते गए मेरे घर पे एंड आई कुडंट डू इट. और अभी थोड़ा सा ये रहो, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम है. सो यस, इट्स गोइंग गुड. आई हैव अ लॉट ऑफ एनिमल्स एज यू गाइज नो, एंड आई स्टिल हैव बहुत सारे प्लान्स उनको रखने के लिए. और यस, I love keeping reptiles, तो मैं थोड़ा reptiles पर भी focus करूँगा. And I have Snowy here. Snowy 11-12 साल की हो गई है. And here is Alaska. अभी सुबह का time है तो ये लोग थोड़े से ज़्यादा excited हो जाते हैं, है ना? पर अच्छी बात है, it's good. A dog should be excited but not super excited. स्नोई की डाइट के ऊपर आई एम गोना डू अ वीडियो, क्योंकि ओल्ड एज डॉग्स की डाइट के बारे में लोगों को पता नहीं होता. ऑल दो शी डजंट लुक लाइक वन, बस थोड़ी सी मोटी हो गई है. अरे ये अलास्का है ना स्नोई? पर अगर आप इफ़ यू लुक क्लोजली तो इसके दांत घिस चुके हैं. अलास्का क्या लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? डालमेशियन इज़ अ वेरी गुड ब्रीड. लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता क्योंकि ये थोड़े से दे आर स्लाइटली अग्रेसिव. और अलास्का का थोड़ा सा ऐसा सीन है कि ये जहाँ से आई थी उन्होंने इसको आई डोंट नो कैसे रखा था, कैसे नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा डरती है. उसको एंग्जाइटी वाली बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्शियस रहती है कि कहीं कोई मुझे छोड़ कर ना चला जाए, क्योंकि सेपरेशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है डॉग्स में कभी कभार. तो पोस्ट ट्रॉमेटिक भी होता है, ये कोई ट्रॉमा होता है बहुत ज़्यादा तो उसके बाद ऐसे हो जाता है डॉग. सो अलास्का वैसी सी है. पर डालमेशियंस आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स आई वुड से, क्योंकि भागते बहुत अच्छा है, गर्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. यू डोंट नीड एनी एसी, कूलर, मतलब ज़रूरत नहीं होती. ऑल दो ये तो एसी में फैली रहती है, पर आप कहीं भी लेकर जा सकते हो. और जैसे ये जहाँ भी मैं लेकर जाता हूँ वो एकदम साथ में मेरे चलती है, एकदम साथ में टच होके. और शी इज़ जस्ट 10 months ओल्ड अभी, तो इसलिए आई हैव हाई होप्स फॉर हर. बी स्नोई सो अभी चलते हैं नीचे एंड लेट्स मीट माई अदर एनिमल्स. बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने देने हैं और काफ़ियों की साफ सफाइयाँ करनी हैं. आई एम गोना मेक यू गाइज मीट सबसे अच्छे से. अभी मैं छत पे था, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि लोग भूल जाते हैं और फिर मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि अभी कहाँ हो आप, वो कौन सी जगह है. सो डोंट वरी, मैं छत पर ही हूँ. तो अलास्का इज लाइंग हियर. अलास्का इज आर 11 महीने के आसपास की डालमेशियन पपी. अभी तो वैसे पूरी बड़ी सी हो गई है, पर लोगों को लगता है डालमेशियंस बड़ी ना अजीब ब्रीड है, पर इट्स नॉट लाइक दैट. दे आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड मैं बोलूँगा. लोग काफ़ी मिसअंडरस्टैंड करते हैं इनको. आई एम नॉट प्रमोटिंग द ब्रीड, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. इसको थोड़ी सेपरेशन एंग्जाइटी है अलास्का को, तो इस वजह से ये थोड़ी ज़्यादा हरकतें करती है. इसीलिए इसने काफ़ी हमारे चार्जर्स और वो सब भी फाड़े थे, क्योंकि हम इसको अकेला छोड़ कर चले गए थे. पर अकेला रहना भी डॉग को थोड़े टाइम के लिए आना चाहिए, पर इट्स ओके. इसको थोड़ा सा अच्छा सा फील नहीं होता स्ट्रेंजर्स के साथ, इतनी जल्दी ऐसे जॉली नहीं होती. बट या शी इज़ डूइंग गुड, क्वाइट गुड आई वुड से. हाय, अभी से रिसेंटली एक्जीमा हो गया था. एक्जीमा इज़ अ कंडीशन, स्किन कंडीशन, तो वो हमने कोशिश चल रही है उसको ट्रीट करने की अभी भी. यस, शी इज़ अ गुड गर्ल, पर ये एकदम अच्छे से बात मानती है मेरी. बस ला लो. आई नो मेरा एक्वेरियम टूट गया था और बहुत ही बुरा सीन हो गया था जब वो टूटा था. सो आई हैव मेड एन एक्वेरियम जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल एकदम सेम तरीके से. सो यू कैन सी हियर एवरीबडी,
दिस इज दैट एक्वेरियम. और सबसे कमाल की बात है इसमें, नाउ यू कैन सी इंडियन प्लांट्स. दिस इज हाइड्रिला. बस एक इसमें क्रिप्टोकोरिन है यहाँ पर. सो दिस इज माई एक्वेरियम अगेन रेडी. सारी फिशेज हैव बीन ट्रांसफर्ड, सबको ट्रांसफ़र कर दिया है. और इसको मैं दोबारा से फ्रॉम द स्क्रैच बना रहा हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग कि ये थोड़े से और प्लांट्स ग्रो हों, एक दो चेंजेस करके देन आई एम गोना ऐड द फिशेज. सी डू इट मैन, सी दिस, आई लव दिस. सो आई एम नॉट एग्जैक्टली गोना टेल यू कि मैं कौन सी फिश रखूँगा अनटिल इट इज डेफिनेटली प्रूव्ड, क्योंकि थोड़ा शिपिंग की प्रॉब्लम है फिशेज की ना. एक बार ये एक्वेरियम प्रॉपरली सेट हो जाए उसके बाद इट्स गोना बी ऑसम. यस आई नो इट्स गोना बी, एंड दैट्स हाउ वी आर हियर. और मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा वाला एक्वेरियम देयर. सो ये वाला नया एक्वेरियम है. आई एम प्लानिंग दिस फॉर द गोल्ड फिश, स्ट्रिक्टली फॉर द गोल्ड फिश. सो दिस इज़ दैट एक्वेरियम. आई नो लोगों को ये पसंद नहीं आएगा एक्वेरियम काफ़ी ज़्यादा, बट आई एम गोना लव दिस. इस पर थोड़ी सी एल्गी आएगी, और जितने एक्वेरियम रखने वाले लोग हैं उनको पता होगा मैं क्या सोच रहा हूँ करने की. इसमें सिर्फ गोल्ड फिश रखने वाला हूँ मैं, अभी तक तो यही सोचा है. और स्नोई कैन नॉट जस्ट वेट यार, आ जा. मैं जब भी बाहर होता हूँ, मुझे फिल्म करना है या मुझे कुछ भी करना है, स्नोई हैज़ टू बी हियर. और स्नोई की वजह से अलास्का भी भागती हुई आती है. तो इस वाले एक्वेरियम में आई एम गोना कीप गोल्ड फिश ओनली. गोल्ड फिश सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फिश, सुंदर वाले. तो आई एम लुकिंग फॉर देम अभी थोड़े टाइम में, मतलब एकदम से एक्सट्रीम आई एम नॉट लुकिंग, क्योंकि एक ही गोल्ड फिश 8,000 की है. सो आई हैव टू प्लान थोड़ी बहुत चीज़ें, उसके बाद आई एम गोना फोकस ऑन दिस. और एक और नया हमारा पहलवान है जिससे मैंने आपको अभी तक किसी को नहीं मिलवाया. मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं कोई जानवर रखता हूँ आई कीप देम फॉर अ वाइल, उसके बाद मैं वीडियोज़ बनाना उन पर शुरू करता हूँ, क्योंकि आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड एनिमल्स. और जानवरों को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई वुड लाइक यू गाइज टू मीट समबडी जिसको मैंने अभी तक कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है. अभी दिन का टाइम है और ये रात के जीव होते हैं. सो वो अंदर सो रहा है. इसको मैंने आज तक कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. आपको याद होगा मैंने बहुत टाइम पहले हेजहॉग की बातें की थी, बहुत टाइम पहले, और तब टाइम नहीं मिला मुझे कभी. सो आई थिंक अब मेरे पास टाइम है. I have him over a week. अभी एक वीक होने वाला है और मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था because I didn't want to. नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली ना एकदम डीपली एकदम अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को कि what are they called, where they are from, और ये वाली सारी चीज़ें ना आई एम गोना टेल यू एकदम एक पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो में. अभी तक बस यही है कि ये कैट फूड खाता है, ये जनाब ये कीड़े खाता है बहुत सारे, और बस यही सारी चीज़ें आप सोच के रह सकते हो. अदरवाइज यू कैन गूगल देम अप. इसकी स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो. सो एवरीबॉडी दिस इज माय इगुआना, माय ब्लू एल्बाइनो पापा के पास है. मेरे पापा ध्यान रखते हैं एल्बाइनो का. एंड दिस इज ब्लू एवरीबॉडी. ये बड़ा सुंदर सा है, शांत हो गया है अब ये ट्रस्ट भी करता है. अच्छा ये अभी पानी पी रहा था और मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया पानी पीते हुए. यू कैन सी द कलर बहुत अच्छा जा रहा है. लेट मी हैव हिम इन माय हैंड. आ जाओ, कम ऑन. हाँ, वेरी गुड बॉय. सो यस यू कैन सी हिज कलर काफ़ी अच्छा जा रहा है. और जब भी इगुआना ऐसे जीभ निकालता है इसका मतलब है वो टेस्ट करना चाह रहा है. पूरे मुंह पे आम लगा हुआ है क्योंकि अभी आम खाया है हमने.
यू गाइस ऑलरेडी नो मैं इग्वानास पे काफ़ी सारा कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं दोबारा आई एम गोना वर्क ऑन इट. ही इज डूइंग अमेजिंग. आम खा रहा है बढ़िया. And everybody, this is our African ball python. He is doing amazing. कुछ टाइम से ये थोड़ी सी हरकतें कर रहा था अपनी फीडिंग और इन सब चीज़ों को लेकर, पर ही इज डूइंग ग्रेट नाउ. यू कैन सी द साइज इज ऑल्सो ग्रेट और इसकी बॉडी पे एक शाइन भी आने लगी है बहुत सुंदर सी. अब जैसे जैसे यह अडल्ट होगा वैसे वैसे थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे. इन भाई साहब ने खाना खाना छोड़ दिया था तो फिर हमें फोर्स फीड करना पड़ा. तो फोर्स फीड करने के बाद नाउ ही इज ऑल राइट, ही इज गुड, ही इज अ गुड बॉय. बॉल पाइथन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं. ये फर्स्ट टाइम ओनर्स वाले सांप होते हैं कि अगर आप के आपको सांप पालना है एंड यू डोंट हैव वन और आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके आप कौन सा रखोगे, तो आप बॉल पाइथन्स को रख सकते हो क्योंकि ये एकदम ही फ्रेंडली होते हैं. इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से. एंड दिस इज रंगीला. इसको हमने जब से पावर फीडिंग चलाई है इसको यही लगता है कि बस इसको हम खाना ही दे रहे हैं. लेट मी गेट हिम इन टू सम लाइट सो दैट यू कैन सी हिम अच्छे से. सो दिस इज रंगीला. थोड़ा सा बड़ा अगर आपको ये लग रहा हो तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं इसको डेली देखता हूँ. कॉर्न स्नेक्स आर नॉट रियली बिगिनर वाले सांप बोलूँगा मैं यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि इनके लिए पिंकीज नहीं मिल पाते हैं. जो छोटे इनके बच्चे आते हैं उनके पिंकीज नहीं मिल पाएंगे आपको. अभी इसका डिज़ाइन भी चेंज हो रहा है, यहाँ से एकदम हाफ डिफरेंट है हाफ और डिफरेंट है. अरे एक्वेरियम में क्या देखना चाहता है बेटा. इनको मैं थोड़ा कभी कभार धूप भी सिखा देता हूँ तो इनको मज़े ही आ जाते हैं. दे नोज मी वेरी वेल. बॉल पाइथन आलसी है, ये एकदम भागता रहता है क्योंकि ये कॉल्यूब्रेड्स होते हैं ना, ये रैट स्नेक की तरह होते हैं. एक्साइटेड हो गया वो. सो ही स्टेज लाइक दिस मेरे हाथ में लाइक अ बैंड. इसको मैं ऐसे 2-3 घंटे भी रख सकता हूँ और ऐसे ही ये सो जाएगा बैठ के, विच इज़ क्वाइट गुड. सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़ अभी. मैं रेस्क्यू कॉल दे रहा हूँ पर पहले की तरह 24/7 नहीं, अभी काफ़ी ज़्यादा हम फॉरवर्ड कर देते हैं. फॉरवर्ड एज इन हमारा वी हैव मेड अ बिग रेस्क्यूअर्स का ग्रुप, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं. पर यस, मैं रात दिन जानवरों में लगा रहता हूँ जैसे पहले लगा रहता था. और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी नया कॉन्टेंट है और बहुत सारी नई नई चीज़ें करनी है. सो आई वुड नीड योर सपोर्ट फॉर दैट. थैंक यू अभी तक के सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच. रेस्क्यू कभी कम नहीं होंगे, कभी बंद नहीं होंगे. सो यस, वो साइड बाय साइड चलते रहते हैं एंड दिस इज हाउ इट इज. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग. अगर आपके घर के आसपास कोई जानवर है प्लीज उसको थोड़ा खाना दीजिए, अगर उसको दवाई की जरूरत है थोड़ी दवाई दे देंगे तो वाह. एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड.